नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अगला का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। अगला का इंग्लिश मीनिंग होता है नेक्स्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, कमिंग और फॉरवर्ड। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, द नेक्स्ट वन डिड इट्स वर्क, वी केप्ट वॉचिंग। उदाहरण, अगला अपना काम कर गया, हम लोग देखते रह गए। इस एग्जांपल में नेक्स्ट का मतलब है अगला। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पिछला का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।